जब तक मैं महास पर मौजूद हूँ दुश्मन आगे नहीं बढ़ सकता। ये दावा था हमारे एक बहादुर फौजी नौजवान मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का, जिन्होंने सितंबर 1965 में भारत की जानिब से अचानक से छेड़ी हुई जंग में मुकाबला किया। 23 सितंबर 1965 को भारत अपनी ही छेड़ी हुई जंग को रोकने के लिए अक्वामे मुत्तहदा जा पहुंचा और फायरबंदी के लिए अपील कर दी। सलामती काउंसिल ने फायरबंदी का हुक्म दे दिया। भारत ने फायरबंदी का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की, तो मेजर मोहम्मद अकरम ने भारतीय कर्नल को पैगाम भिजवाया कि अगर इसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये इसकी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। आपका पैगाम ही भारतीय कर्नल के लिए काफी रहा और इसने आगे बढ़ने का फैसला तर्क कर दिया। मजीद ये कि भारत अपने ओछे हथकंडों से कभी भी बाज नहीं आया और 1971 में बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को दिनाजपुर पर होने वाले हमले में दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और भारी फोर्स के साथ मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, जबकि पाक फौज को असले की कमी का सामना था। दुश्मन की बख्तरबंद रेजिमेंट पूरे इलाके में फैल गई थी। मेजर मोहम्मद अकरम की ड्यूटी दिनाजपुर के इलाके में लगा दी गई थी। इनकी बहादुरी, शुजाअत और जज्बाए शहादत की दास्तान इनके एक सिपाही बयान करते हैं कि मैं साहिब से आगे आगे जा रहा था, मुझे साहिब की जान अजीज थी कि साहिब ने मुझे रोका और कहा कि तनख्वाह हम ज्यादा लेते हैं या आप। मैंने जवाब दिया साहिब आप ज्यादा लेते हैं, तो कहने लगे कि फिर शहीद होने का हक भी मुझे पहले है। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की जंग में पेशावराना महारत और आला क्यादत का सबूत दिया। असलहे और सिपाहियों की कमी इनका हौसला पस्त ना कर सकी। 5 दिसंबर 1971 को मेजर मोहम्मद अकरम कंपनी कमांड करते हुए आगे बढ़े। दुश्मन की तरफ से मुसलसल टैंकों और मशीन गन के वार जारी थे। आपने जवाबी कार्रवाई ना करने का हुक्म दिया। जब दुश्मन ने जवाबी हमले के आसार ना पाए तो मजीद आगे बढ़ने लगा। यही वो मौका था कि जब मेजर मोहम्मद अकरम और इनके साथियों ने दस्ती बमों और राइफल से हमला कर दिया और दुश्मन के 3 टैंक और कई मशीन गन्स तबाह कर दी। अचानक जवाबी कार्रवाई से दुश्मन अपने हवास खो बैठा और भाग खड़ा हुआ। इसी असना में आपने 180 गज का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। अचानक दुश्मन की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान मशीन गन की गोलियों की बौछार ने मेजर मोहम्मद अकरम का सीना छलनी कर दिया और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक़े हकीकी से जा मिले और अगले रोज आपको बोगरा में स्पुर्दे खाक कर दिया गया।